साइकस पाम पर अगर कीड़ा लग जाए तो हमें कौन सी दवाई लगानी चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी दवाई लगानी चाहिए। कीड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता है साइकस पाम पर, ये देखिए ऐसे कीड़ा लग जाता है, पत्ते खा जाता है, तो मैं आपको इसी चीज़ को बताने जा रहा हूँ। आप पहले हम दवाई दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सी दवाई लगानी है। ये लिटल की दवाई है, आपको भी ये लगा सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत दवाइयाँ आती हैं, ये लिटल की दवाई जो है दीमक के काम में भी आती है, पर इसका ध्यान रखना कि ये आपके कपड़ों पर या मुंह पर नहीं जाए, वरना तो ये आपको बहुत बीमार कर सकती है। इससे बहुत नुकसान होता है, जलन कर देती है पूरे शरीर में। हम इसे पूरे 5 ढक्कन मिला रहे हैं, मतलब कि हम लगभग 15 ml दवाई मिला रहे हैं 10 लीटर पानी में। जी हमने दवाई मिला ली है, अब वैसे हमें छिड़काव करना है उन पौधों पर। इतनी जो हमने भर ली है जी, अब हम इसमें पहले पानी डाल लेते हैं। पानी डालकर हम इस छिड़काव कर देंगे पूरे साइकस पाम पर, आप भी इसी तरह कर सकते हैं। मैंने पानी डाल दिया, अब मैं इसका ढक्कन लगा देता हूँ और इसके बाद मुझे दवाई लगानी है। बस अब ये देखिए मैं दवाई लगाने आ गया हूँ, इस पर बहुत कीड़ा लगा हुआ है। इसी तरह आपको भी दवाई लगानी है, आप बोतल का यूज़ भी कर सकते हैं उस पर स्प्रिंकलर लगा कर, और दवाई की मात्रा कम रखनी है ताकि आपके शरीर पर ना आए और ज़्यादा पौधे को नुकसान नहीं पहुँचे। ज़्यादा दवाई लगाने से पौधे पर नुकसान भी हो सकता है। जी अब हमारी दवाई लग गई है, आप भी इसी तरह साइकस पर दवाई लगा सकते हैं।